बेहद खतरनाक हो गई है कोरोना की दूसरी लहर। देश में पहली बार एक दिन में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा मामले। देश में 24 घंटे में कोरोना से 478 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में वीकेंड पर लॉकडाउन, बाकी दिन रात 8 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का और क्या है इलाज? क्या लॉकडाउन से ही थमेगी कोरोना की ये नई रफ्तार? तो क्या कोरोना की नई लहर का इलाज लॉकडाउन ही है? संविधान में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। कोरोना की दूसरी लहर इतनी बेकाबू होती जा रही है कि एक दिन में ही 1 लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आ गए, और ये सब तब हो रहा है जबकि वैक्सीन लगाने का अभियान जोरों पर है। आखिर कोरोना की ये नई रफ्तार थमेगी कैसे? इस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, प्रेम शुक्ला बीजेपी प्रवक्ता, डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस प्रवक्ता, डॉक्टर एम वली सीनियर कंसल्टेंट गंगाराम अस्पताल, डॉक्टर डी के गुप्ता सीएमडी फेलिक्स अस्पताल, डॉक्टर संजीव चौबे मेडिकल डायरेक्टर हैं सेंट माइकल अस्पताल शंघाई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो चलिए बिना भय पक्षपात, बिना द्वेष अनुराग अपनी समझ बनाएं, संविधान के दायरे में अपनी सोच को आत्मनिर्भर बनाएं। आइए हम भारत के लोग शुरू करें संविधान की शपथ। एक दिन में कोरोना के कुल मरीज 1 लाख से ज्यादा, और देश में अब तक कुल कोरोना मरीज 1.25 करोड़ से ज्यादा। यह आंकड़ा हमारे देश में कोरोना की सबसे डरावनी तस्वीर दिखा रहा है। भारत में कोरोना के एक दिन में मतलब 24 घंटे में 1,03,558 नए केस सामने आ गए। एक दिन में ये दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। भारत के बाद दूसरे नंबर पर फ्रांस है, जहां एक दिन में 60,922 केस आए हैं। इस आंकड़े से आप अंदाजा लगा सकते हैं देश में कोरोना की दूसरी लहर कितनी खतरनाक रूप लेती जा रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहम बैठक करने जा रहे हैं। ऐसे में सबके मन में सवाल ये है, वैक्सीन आने के बावजूद कोरोना इतना क्यों फैल रहा है? इसके लिए टीकाकरण की सूरत जाननी जरूरी है। अभी 7 करोड़ 60 लाख लोगों को ही टीका लगा, इसमें सिर्फ 4.8% लोगों को एक डोज और 0.7% लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। अगर टीकाकरण की यही रफ्तार रही तो अगले 9 महीने में देश की सिर्फ 20% आबादी को ही वैक्सीन लग पाएगी। तो ये देश में टीकाकरण की हालत है। इस बीच सरकार ने 72 देशों को कोरोना की वैक्सीन भेजी है। अब तक 6.5 करोड़ डोज विदेशों को भेजे गए हैं। संविधान की शपथ, आज हम सवाल ये पूछ रहे हैं, क्या लॉकडाउन से ही थमेगी कोरोना की ये रफ्तार? इस सवाल पर हमने एबीपी न्यूज के ट्विटर पेज पर पोल लॉन्च किया है। आप अभी भी वोट देकर इस पोल का हिस्सा बन सकते हैं। शो के आखिर में पोल के आंकड़े आपके सामने होंगे। प्रेम शुक्ला जी, 25 मार्च 2020 जिस दिन पिछले साल लॉकडाउन शुरू हुआ था, सर करीब 600 के आसपास केसेस थे कोरोना के, 10 के करीब मौत हुई थी। आज का आंकड़ा देख लीजिए आप कि पिछले 24 घंटे में 1 लाख के पार नए केस सामने आ रहे हैं। सर 400 से ज्यादा लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हुई है। सर क्या लॉकडाउन जरूरी? प्रेम शुक्ला जी, देखिए लॉकडाउन जरूरी तो नहीं है, लेकिन लोगों को एहतियात बरतना जरूरी है। लॉकडाउन तो आपकी अर्थव्यवस्था की और सामाजिक व्यवस्था दोनों की जो है कमर तोड़ देगा। और पिछले बार की तुलना जब हम करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पिछले साल मार्च महीने में हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, हमारे पास वेंटिलेटर की संख्या क्या थी, हमारे यहाँ पीपीई किट का उत्पादन तक नहीं होता था, हमारे यहाँ सैनिटाइजर का भी जितना आवश्यक उत्पादन था वो नहीं होता था, हमारे पास जो है हेल्थ इक्विपमेंट्स की कमी थी। ऐसे में जब आज हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बेटर किया है, लेकिन फिर भी हमारे सामने गंभीर संकट निश्चित तौर पर है। अगर लाख से अधिक केसेस प्रतिदिन आती हैं तो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी चरपरा जाने की स्थिति में है। ऐसे में लोगों को शारीरिक दूरी बनाना, मास्क का प्रयोग करना और लोगों को सैनिटाइजर का बार बार प्रयोग करना, जो आवश्यक जो एहतियाती कदम है उनको बरतने के प्रति जनता को जागरूक होना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जहाँ पर भी सरकारें हैं, जैसे मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, महाराष्ट्र में आप कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का पहला फेज से लेकर आज तक की मैं बात कर रहा हूँ जी, कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग जिस बड़े पैमाने पर होनी चाहिए थी उस पैमाने पर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग होती ही नहीं है। उसका दुष्परिणाम ये होता है कि जब आप सेप्टेम्बर के पीक के बाद जब आप नीचे आ रहे थे उस समय आप लगातार अगर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करते, एहतियात बरतते, लोगों को जागरूक करते,
तो वैसी स्थिति में आज से बेहतर स्थिति निश्चित तौर पर होती। आप बड़ी बात कह रहे हैं, मुझे लगता है अजय कुमार जी का हम जल्दी से रुख करते हैं। अजय कुमार जी, बार बार प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया जब वैक्सीन आ भी गई कि साहब दवाई भी और कड़ाई भी, लेकिन यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी जो कह रहे हैं कि साहब दवाई तो आ गई लेकिन कड़ाई की जगह ढिलाई हमने देखा वो किस तरीके से आती चली गई लोगों के जहन में, इसके लिए कौन जिम्मेदार? क्या सिर्फ और सिर्फ लोगों को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं या फिर सरकारें भी जिम्मेदार? सर देखिए, आपने हिमंत बिस्वास जी का स्टेटमेंट भी सुना होगा, जो सरकार, जो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री, जो पूरी सरकार पांचों साल जो है सिर्फ चुनाव में मस्त है, सिर्फ चुनाव चुनाव जीतना, किसी तरह से राजनीति, कहाँ जो है इस देश में किसी तरह का शासन चल रहा है? आप ही बताइए, कोई मीटिंग जब ये 1 लाख पार हो जाता है तो प्रधानमंत्री जी मीटिंग बुलाते हैं। इस देश में ये वर्तमान केंद्र सरकार के, आप एक दिन भी ऐसा नहीं है कि इन्होंने किसी तरह का जो है कभी मीटिंग बुला लेते हैं। लगातार हम सुनते गए कि भारत में बहुत भयंकर काम हुआ कोरोना के खिलाफ, वाह वाह लूटने के लिए, भारत के लोग इतने शक्तिशाली हैं कि कोरोना को जो हरा दिए, हर इस तरह के बयानबाजी लगातार चलती गई। और वैक्सीन की तो अलग कहानी है, वैक्सीन का जो टारगेट था आप बताइएगा, जुलाई तक 30 करोड़ है, अभी तक 8 करोड़ हो चुके हैं। अब भारत वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ आगे बढ़ रहा है। और अगर हम देखेंगे, देखिए हर एक हमेशा जो है पब्लिक के ऊपर दोष डालना ऐसा नहीं है, बाकी दुनिया के पब्लिक भी वैसा ही है, हमारे जैसे अलग भारत के लोग। आप जो सवाल उठा रहे हैं, जल्दी से आपका सवाल अपने एक्सपर्ट्स के पास लेकर चल रही हूं। सर, डॉक्टर्स का पैनल मेरे साथ लगातार बना हुआ है, मुझे लगता है जल्दी से डॉक्टर डीके शर्मा को, डीके गुप्ता को आना चाहिए। डॉक्टर डीके गुप्ता, मैं आपसे समझना चाहती हूँ रिस्पॉन्स टाइम आपको लगता है लेट रहा सरकारों का? डॉक्टर डीके गुप्ता, बिल्कुल कहीं ना कहीं रिस्पांस टाइम भी लेट रहा, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट में ठीक नहीं रहा, कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हुआ, और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर थे उनका ग्राउंड लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट जितनी भी थी उन्होंने सही से इंप्लीमेंट नहीं कर पाया। वहाँ जहाँ जहाँ नहीं हुआ वहाँ वहाँ भयावह स्थिति बन गई है। तो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर था उसका लॉ के हिसाब से जैसा इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए था, लोगों को कानूनी से पालन होना चाहिए था, वो लोग नहीं कर रहे थे। और वैक्सीनेशन जो दूसरी जो तरीका था रोकने का प्रक्रिया था वो भी स्लो चल रही, अभी तक 0.7 या 0.8% लोग हैं जिनको 2 डोज मिली हैं, जो सबसे कम है। और टोटल पब्लिक की बात करें जिसको वैक्सीन मिली है वो सिर्फ 5 से 6% है जिसको एक सिंगल डोज मिली है। तो वैक्सीनेशन प्रक्रिया को, जो मैंने 2 दिन पहले भी आपके साथ बोला था कि 24/7 खोलना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं कमी है। और वैक्सीनेशन को आउटरीच प्रोग्राम की तरह चालू करना चाहिए, कैंप करने चाहिए बार बार, जितनी हमारी सोसाइटीज है, हमारे कॉर्पोरेट्स हैं, कंपनीज हैं, वहां जा जाके वैक्सीन लगाने चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, क्या दुनिया से वैक्सीन मैत्री देश पर पड़ी भारी? मुझे उस राज्य का नाम बताइए जिस राज्य ने वैक्सीन मांगी हो और उसको वैक्सीन ना मिला हो। तो आप महाराष्ट्र के लोगों ने तो आरोप लगाया कि हमको वैक्सीन नहीं मिल रही है, डाटा के साथ बताया गया कि आपने तो आधी वैक्सीन का भी उपयोग नहीं किया है। और एक कांग्रेस शासित राज्य की स्थिति है, महाराष्ट्र कांग्रेस शासित राज्य है। डॉक्टर अजय कुमार कह रहे थे कि केंद्र कुछ काम ही नहीं कर रही है। साहब, राज्य सरकार से मैं पूछ रहा हूँ ना, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए क्या कैंपेन किया? सबसे अधिक जो है आज 40% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है केसेज का पहले फेज से लेकर आज तक महाराष्ट्र कर रहा है। महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से कौन सा ऐसा कदम उठाया गया जिसके कारण कोविड को नियंत्रित करने में सफलता मिलती? वैक्सीनेशन की प्रक्रिया वो तेज कर लेते, उन्होंने कब केंद्र से कहा कि हम और अधिक वैक्सीन दो, हम 24/7 करना चाहते हैं, और केंद्र ने उनका साथ नहीं दिया? कितना वैक्सीन लगवाया और कितना दिया गया? नहीं कितना, अरे भाई जितना मांगेंगे आप लगाएंगे उसी के अनुपात में मिलेगा ना। आप लाके स्टॉक कर ले, दूसरे राज्यों को ना दे। तो क्या क्या मोदी सरकार को घेरने के लिए वैक्सीन को लेकर राजनीति, वैक्सीन को लेकर क्या राजनीति की जा रही है? राजनीतिक तौर पर घेराबंदी के लिए क्या वैक्सीन का मुद्दा उठाया जा रहा है? अजय कुमार जी, शुरू से ही राजनीति की गई थी, शुरू से राजनीति की गई भाई। डॉक्टर अजय कुमार जी, रोमाना जी, देखिए प्रेम शुक्ला जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति है, लेकिन उनको मध्य प्रदेश दिखाई नहीं देता है, उनको दिखाई नहीं देता है, कर्नाटका दिखाई नहीं देता है, तो विचित्र स्थिति है। अब जब कुछ चुनाव के बाद जिस तरह से असम में भी हमें जो जिस तरह से आशंका हो रही है, तो ये प्रदेश से स्पेसिफिक नहीं है, ये अर्बन डेंसिटी से संबंधित है ज़्यादा, क्योंकि इसमें डॉक्टर, मैं भी डॉक्टर हूँ लेकिन डॉक्टर्स के पैनल हैं,
कोरोना को अगर अगर स्प्रेड होना है जोरदार तरीके से तो अर्बन पॉपुलेशन डेंसिटी एक बहुत बड़े मायने रखता है। और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण सबसे ज़्यादा है, तो ये कारण जरूर एक कारण हो सकता है, वो एक्सपर्ट के कहने की बात होगी। लेकिन आप बताइएगा कि इस दुनिया में दो तीन फाइजर वैक्सीन आ गया, उसके बाद मॉडर्ना वैक्सीन आ गया, उसके बाद ये रशियन वैक्सीन काफ़ी देश में चल रही है, लेकिन भारत ने अप्रूवल नहीं दिया। अब एक मिनट, तो ये सरकार ने किसी को, क्योंकि सरकार बोलती है कि, अब योगी जी आकर बोलते कि स्वदेशी वैक्सीन, अरे हर वैक्सीन, वो भारत सीरम भी देश का ही आदमी है, वो एस्ट्राजेनेका का बना रहा है तो देश का ही वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन भाई देश का है। इस तरह के नाटक, इस तरह के जो है इंप्रेशन क्रिएट करना, और इतने वैक्सीन अवेलेबल थे, कुछ कितने इफेक्टिव है कि नहीं, सबकी सबको जो है चिंता है। लेकिन सर आप जो पॉइंट रेस कर रहे हैं उस पर एक्सपर्ट्स का रिएक्शन लेती हूं, आप जो पॉइंट रेस कर रहे हैं उस पर एक्सपर्ट्स का रिएक्शन लेती हूं जल्दी से। डॉक्टर वली, क्या वक्त आ गया है कि सभी वैक्सीन के लिए भारत को खोल देना चाहिए? हमारे पास तो, हम तो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं वैक्सीन, 70% वैक्सीन ऑफ द वर्ल्ड हम बना के देते हैं, हमें बाहर से नहीं मंगाने। ये इसमें प्रॉब्लम है स्टोरेज की और ट्रांसपोर्ट की और लॉजिस्टिक्स की। जैसे 80 डिग्री वाला जो टेम्परेचर वाला वैक्सीन है, -80 वाला, वो हम नहीं मंगा सकते। पैसे की बात नहीं है, पैसे में तो हम खर्च कर सकते हैं कितने भी, लेकिन उसको जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसको जो लॉजिस्टिक्स है, वो हम नहीं मेंटेन कर सकते, तो वो बेकार हो जाएगा। ठीक है, हमारे अपने मशीन काफी है। आपका रिएक्शन डॉक्टर चौबे, आपका रिएक्शन? देखिए रोमाना जी, ऐसा है कि वैक्सीन, सबसे पहले तो किसी की रिपोर्ट हमारे पास अभी तक नहीं आई जो ये ठोस तौर पे कह सके कि यही है वैक्सीन, और इसका इलाज होने पे, दो डोज लेने पे कम से कम आप 6 to 8 months तक बिल्कुल आप कोरोना फ्री है। हमारे पास कोई इसकी स्टडी अभी तक नहीं आई है। मेजोरिटी ऑफ द केसेस कोवैक्सीन की एक इंटरिम रिपोर्ट है जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। लेकिन सवाल यहाँ पे यह है कि ह्यूमन बिहेवियर की बात है। अभी दोनों जो लोग हैं, भाजपा और कांग्रेस, ये इसमें तो दोनों को मिल के काम करना चाहिए। एक ये देश के लिए महामारी और एक महासंकट का समय है। डॉक्टर गुप्ता प्लीज आइए आप। डॉक्टर गुप्ता, क्या ये वक्त आ गया है कि दुनिया की वैक्सीन को भारत में आने की इजाजत दे देनी चाहिए? डॉक्टर गुप्ता, बिल्कुल, मैं कई बार कह चुका हूँ, दुनिया में 13 वैक्सीन को अथोराइज अप्रूवल मिल चुका है, और उसमें स्पूतनिक है, जॉनसन एंड जॉनसन, ऐसी बहुत सारी वैक्सीन है जिनको ठंडे टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हमारे देश में ऐसे बहुत सारे शहर हैं जिसमें हम वो मॉडर्ना और फाइजर के लॉजिस्टिक और टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल हाई टाइम है, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें इम्पोर्ट के लिए भी खोल देना चाहिए, और जो लोग अफोर्डेबल हैं वो सब वैक्सीन, सबके लिए चॉइस होनी चाहिए, कोई भी कहीं लगवा सकता है। डॉक्टर वली, ये दूसरी लहर जो कोरोना की है, ये इतनी खतरनाक क्यों है? हाँ, दूसरी लहर नहीं है ये तो कोरोना, मेरे हिसाब से तो लहर चली रही थी। थोड़ा सा हम लोग लापरवाह हुए थे, थोड़ा सा हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि हमने कोरोना पे फतेह पा ली है। आपने सुना होगा केजरीवाल साहब को कहते हुए कि चौथी लहर है दिल्ली में, और कई यूरोपियन कंट्रीज में बियॉन्ड सेकेंड वेव भी हुआ है। तो ये लहरें बहरे तो जो हैं वो ठीक हैं, दूसरी लहर हम कागज़ पर बना देते हैं, कर बना देते हैं, लेकिन ये कोरोना कंटिन्यूटी में रहा है और कोरोना कंटिन्यूअस है और कोरोना रहेगा। सर, ये इतनी खतरनाक क्यों है, मैं ये समझना चाह रही हूँ, इतनी खतरनाक क्यों है सर ये? बहुत बढ़िया सवाल। देखिए, कोरोना जो है ये वायरस है और ये ह्यूमन बीइंग से दोस्ती करना चाहता है जी। और जब ये दोस्ती की बात सोचता है, इसका जीन, इसका जेनेटिक मटेरियल, इसका आरएनए, तो ये आरएनए में अपने म्यूटेशन करता है, और ये म्यूटेशन इसके स्पाइक प्रोटीन में हुए हैं, और ये म्यूटेशन इसने इसलिए किए हैं ताकि ज़्यादा माइल्ड फॉर्म में, थोड़ा सा माइल्ड फॉर्म में ज़्यादा अरसे तक ये ह्यूमन बीइंग्स के साथ रह सके। द वायरस, इन अदर वर्ड्स, इज ट्राइंग टू बिकम ह्यूमन फ्रेंडली। डॉक्टर डीके गुप्ता, डॉक्टर डीके गुप्ता, क्या ये नया स्ट्रेन है कोरोना वायरस का, इसी वजह से खतरा और ज्यादा बढ़ गया है, और ये दूसरी तीसरी चौथी जो भी आप लहर का नाम दें, लेकिन ये कहर बढ़ पा रहा है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि पहला जो स्ट्रेन था उसके बाद 3 नए स्ट्रेन आइसोलेट हुए थे दुनिया के अन्य अन्य हिस्सों में, एक ब्राज़ील में हुआ था, एक साउथ अफ्रीका में हुआ था, एक इंग्लैंड में हुआ था, और जो इंग्लैंड वाला स्ट्रेन था वो 60% के ज़्यादा मोर ट्रांसमिशन था उसका रेट, मतलब वो ज़्यादा कॉन्टेजियस था, ज़्यादा तेज़ी से फैलता था, ज़्यादा लोगों को चपेट में लेता था। अभी जो एक नया स्ट्रेन मिला 18 प्रदेशों में, वो है डबल म्यूटेंट स्ट्रेन, उस पर भी स्टडी चल रही है। अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, इसमें इसका ट्रांसमिशन रेट बाकी
जो स्ट्रेन थे उनसे ज़्यादा है, तो इट मीन्स जो नए स्ट्रेन आ रहे हैं कहीं ना कहीं उसको और ज़्यादा ताकत दे रहे हैं कोरोना को कि वो ज़्यादा तेज़ी से फैले, ज़्यादा लोगों के अंदर एंट्री करे और हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको आसानी से ब्रेक करके हमारे अंदर बीमारी को पैदा करे और कॉम्प्लिकेशन करे। तो कहीं ना कहीं जितनी जल्दी हम ट्रांसमिशन रेट पर रोक लगाएंगे उसी जब रोक लगाएंगे तभी पॉसिबल है कि नए वेरिएंट्स को रोका जा सके। क्योंकि होता ये है कि जब भी वायरस अंदर हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो ये कॉपी बनाता है अपनी, रेप्लिकेट करता है अंदर, और कॉपी करते टाइम बहुत सारी म्यूटेशंस होती हैं। तो अगर हम ट्रांसमिशन को ही रोक देंगे तो कॉपी होना बंद हो जाएगा, तो शायद नए स्ट्रेन आना कम हो जाए। इस बार खतरा कितना बड़ा है इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि कोरोना की ये नई लहर बहुत तेजी से आपके बच्चों तक भी पहुंच रही है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में एक पब्लिक स्कूल के 99 बच्चों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। राजधानी दिल्ली के आर्य कन्या गुरुकुल स्कूल के 9 बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए। मामला सामने आने के बाद स्कूल बंद कर दिया गया। खतरा बढ़ता देखकर दिल्ली सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया। कल यानी 6 अप्रैल से दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे टीकाकरण होगा। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। फिर से चलते हैं मेहमानों के पास। तब आप 7.5 करोड़ जो है देश के अंदर डोज देते हैं वैक्सीन के, 6.5 करोड़ आप विदेशों में भेज देते हैं। सर बढ़िया है, वैक्सीन मैत्री करते रहिए दुनिया के साथ, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए खोल दीजिए ना, दुनिया की वैक्सीन जो चाहे हिंदुस्तान के अंदर अवेलेबल हो लगवा ले। ये विशेषज्ञों को निर्णय लेना, और विशेषज्ञ ही इस पर निर्णय लेते हैं, कोई राजनीतिक लोग इस पर निर्णय नहीं लेते हैं। विशेषज्ञों को यदि आवश्यकता महसूस होगी तो निश्चित तौर पर निर्णय लेंगे वो। पर सर फिलहाल लाल झंडी तो भारत सरकार ने दिखा रखी है ना सर, इजाजत ही नहीं है। लाल झंडी तो हटानी होगी ना, हरा झंडा दिखाना होगा तभी तो आइए। विशेषज्ञों की सलाह पर ही कर रही है ना भारत सरकार विशेषज्ञों, भारत सरकार विशेषज्ञों के परामर्श के अनुकूल काम करती है। रमना जी, एक डॉक्टर साहब ने कहा था कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। दिक्कत क्या है कि राजनीति की बात नहीं है, विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना। अगर हम सरकार के साथ वाहवाही लूटने लगेंगे फिर तो देश के जनता की जो स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। पहली बात यह कि सरकार को ये सरकार सिर्फ चुनाव में व्यस्त है, इसीलिए आपको किसी तरह का ये जब जनवरी में जो आंकड़े कम हो गए थे तो सब लोगों ने कहा कि इंडिया ग्रेट स्टोरी, कोविड ग्रेट स्टोरी, वाह वाह नथिंग, मोदी जी तो मुमकिन। इस तरह की जो बातें हैं इतनी हल्की हो गई है और पूरे देश दुनिया देख रहा है। हमारा सिर्फ यही कहना है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एकदम सही है, लेकिन जब इनके मंत्री, इनके स्वास्थ्य मंत्री असम में खुल के बोल रहे कि यहाँ पर कोरोना ही नहीं असम में, हम तो मास्क नहीं पहनेंगे, और रिपोर्टर मास्क लगा के पूछ रहा है, अब इसका क्या इलाज है? आप रैली देख लीजिए, इतना माहौल बिगड़ गया है सरकार और विपक्ष के बीच में, एक दूसरे का गाली गलौज करना, नाम बोलना, माहौल जो एक दूसरे का कॉपरेशन जो है प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच में कॉपरेशन इतनी खराब हो चुकी है। और ये सबसे मुख्य कारण है भाषा, मुख्य कारण है जिस तरह से कोरोना के फैलाव के लिए क्या केंद्र और राज्य के बीच, क्या केंद्र और राज्य के बीच तालमेल की कमी जिम्मेदार है? प्रेम शुक्ला जी आइए। देखिए, केंद्र ने कभी भी तालमेल करने में किसी प्रकार से कोई संकोच नहीं किया, लेकिन अगर कुछ राज्य सरकारों पर राहुल गांधी के कारण नशा चढ़ा होगा कि हम केंद्र का विरोध ही करेंगे, हम केंद्र को अपमानित जनता भाषा का ही प्रयोग करेंगे केंद्र के लिए। क्या वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी केंद्र को अपने हाथ में लेनी चाहिए? क्या राज्यों पर वैक्सीनेशन का जिम्मा छोड़कर केंद्र ने गलत कर दिया है? देखिए, क्या यहाँ पर ज्यादा एक्टिव रोल केंद्र का होना चाहिए, आपको ऐसा लगता है क्या? संघीय राज का जो ढांचा है जी, इसमें स्थानीय जो निकाय, राज्य सरकार का स्वास्थ्य विभाग और केंद्र, इन तीनों को समन्वय करके ही काम करना पड़ेगा। कोई अकेला इस पूरे काम को, इतना बड़ा देश है, 136 करोड़ का देश है, केंद्र के पास इतनी शक्ति नहीं है कि एक एक व्यक्ति को वैक्सीनेशन लगा दे, उसके पास इतना बड़ा संसाधन नहीं है। ऐसे में राज्य सरकारों का संसाधन, स्थानीय निकायों का संसाधन और केंद्र का संसाधन, इन तीनों को समन्वय स्थापित करके ही ये काम करना होगा। और ये काम इसी दिशा में हो रहा है, बारम्बार प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्रियों की और अधिकारियों की बैठक इसीलिए लेते हैं ताकि जो है इस पर सुचारू ढंग से वैक्सीनेशन का काम भी हो सके, कोविड के रोकथाम की योजनाओं पर जो है समन्वित कार्य हो सके। प्रेम शुक्ला जी, महामारी हमने देखा किस तरीके से इस महामारी से निपटने के लिए पिछले साल मार्च से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान अपने हाथ में ली, ताली थाली हो सर, और आज
5 अप्रैल भी है, 5 अप्रैल पिछले साल सबने दिया जलाया था, जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए। जान है तो जहान है प्रधानमंत्री की तरफ से बताया गया देश को, जान भी जहान भी प्रधानमंत्री की तरफ से देश को यह बताया गया, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, दवाई भी कड़ाई भी। क्या आपको ऐसा लगता है कि अब केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव में इतना व्यस्त हो गए कि कोरोना को लेकर देश को राह नहीं दिखा पा रहे हैं, इसी वजह से खमियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी अहर्निश काम करने वाले प्रधानमंत्री हैं। वो सतत कोविड के मामले पर भी राज्य सरकारों के साथ सतत समन्वय स्थापित करते रहे हैं। अब रही बात चुनाव की, बारम्बार अजय कुमार जी कह रहे कि चुनाव मोड़ में होते हैं। आप कृपा करके बताइए ना, प्रधानमंत्री जी पिछले 6 वर्षों से कह रहे हैं एक ही बार सारे चुनाव करा लीजिए, केंद्र के, राज्य के और स्थानीय निकायों के। विरोध कौन कर रहा है? विरोध करने के लिए खड़े हैं आप लोग। आप चाहते हैं कि 5 वर्ष लगातार चुनाव हो, साहब 5 वर्ष में एक बार चुनाव हो जाए, उसके बाद सारे लोग काम करें। ये तो प्रधानमंत्री जी 6 वर्षों से कह रहे हैं, तो इस पे राजी हो जाइए ना। देखिए, नरेंद्र मोदी जी से पहले भी बहुत सारे प्रधानमंत्री थे, हमेशा चुनाव होते थे, लेकिन कोई सरकार ऐसी केंद्र सरकार में नहीं आई जो लगातार सिर्फ चुनाव में व्यस्त है। निकाय चुनाव हो, गृह मंत्री चले जाते हैं, ये पहली बार हुई है। तो ये चुनाव और वन नेशन वन वोट की बात नहीं है, ये मानसिकता की बात है। प्रधानमंत्री बहुत सारे रहे हैं, वाजपेयी जी भी बहुत वैसे प्रधानमंत्री रहे हैं, इंदिरा जी हैं, नरसिम्हा राव जी हैं, पंडित नेहरू, देवेगौड़ा जी, सभी लोग हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है। कि दिक्कत क्या है कि अगर आप बोलेंगे कि क्योंकि कोरोना महामारी है और प्रधानमंत्री हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, इसलिए बात एक सेकंड, अरे सुनिए, अरे आप अभी वर्तमान में आपकी तानाशाही सरकार है कि आप उसे सरकारों को गिराया। अरे प्रेम शुक्ला जी, यही दिक्कत है, मैं तो हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। अरे सरकारें, रमोना जी, जिनको विधानसभा में बहुमत थी, आप बोलिए, बोलते रहिए। सर, मैं मुद्दे का हल निकालने के लिए बैठी हुई हूँ, मैं आप लोगों की तू तू मैं के लिए यहाँ पर नहीं बैठी हूँ। मैं जल्दी से एक्सपर्ट्स का रुख कर रही हूँ, मुझे लगता है डॉक्टर चौबे के पास हमें चलना चाहिए दर्शकों को लेकर। शंघाई से इस वक्त डॉक्टर संजीव चौबे हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर चौबे, लेकिन ये नया स्ट्रेन तो पूरी दुनिया के लिए ना सर, फिर भारत में कोरोना का ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जो रहा है, इसके पीछे आपको क्या वजह लग रही है? हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ केसेस कम हो रहे थे, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, और ये जो स्पाइक बढ़ा है अचानक से, ये आपका बढ़ा है सिर्फ 4 से 6 वीक्स में। उस वक्त भी गवर्नमेंट ने उतना इसको स्ट्रिक्टली दे ऑल रिलैक्स्ड कि हाँ ठीक है, हमारे पास अब कोरोना नहीं आएगा, लेकिन ये अचानक से स्पाइक बढ़ा। और अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले तो ये उन लोगों को कैच करता था जो लोग वेनरेबल हैं, मतलब जिनको डायबिटीज़ है, कैंसर है, हाइपरटेंशन है, हीमोडायलिसिस पे हैं, लेकिन अभी तो यह यंग लोगों को भी कैप्चर कर रहा है, यंग लोगों को भी पकड़ रहा है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रिवेंटिव मेजर लेना पड़ेगा। चाइना ने अपना जो बाहर के फॉरनर्स हैं उनको अभी तक ओपन नहीं किया उनके लिए, और हमें भी वही चीज़ फॉलो करना चाहिए था कि हम बाहर के लोगों को पॉकेट को ओपन ना करें, जितना हो सके स्ट्रिक्ट मेजर। इसको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, हमारा एक एक्चुअली ह्यूमन बिहेवियर इंडियंस का तो खास मतलब है कि हमें सब कुछ सेलिब्रेट करना है, दिवाली सेलिब्रेट करना है, होली सेलिब्रेट करना है, सब कुछ करना है। आप बड़ी बात कह रहे हैं डॉक्टर डीके गुप्ता, ये होली की लापरवाही का नतीजा कि आंकड़ा 1 लाख के पार कोरोना का 24 घंटे में? नहीं, खाली होली की लापरवाही का नतीजा नहीं है, हम सबका नतीजा है, इसमें राजनीतिक पार्टियों का नतीजा। इतनी धुआंधार लहरियां हो रही जहां पे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की, जो धर्मगुरु हैं वहां पे धर्मगुरुओं के आयोजन हो रहे हैं, फेस्टिवल्स मनाए जा रहे हैं, और उसके अतिरिक्त जो लोग नॉर्मल पब्लिक मार्केट्स में घूम रही, बाजारों में घूम रही है बिना मास्क के, बिना फिजिकल डिस्टेंसिंग के, तो ये सब क्यूमुलेटिव चीज़ें हैं, ये मानव जनित लहरें हम सबकी गलतियों की वजह से। इसे लेकर आत्मचिंतन करना होगा। डॉक्टर वाली, अभी बात जो कह रहे थे डॉक्टर चौबे कि साहब खतरा बढ़ता जा रहा है क्योंकि दायरा बढ़ता जा रहा है, पहले कहा जाता था कि साहब बच्चों में नहीं होगा, अब हम हिंदुस्तान में देख रहे हैं डलहौजी में 99 बच्चे कोरोना पॉजिटिव, दिल्ली में बच्चे कोरोना पॉजिटिव, वैक्सीन तो बच्चों पर टेस्ट भी नहीं हुई है, सर बच्चों को कैसे बचाएंगे? बच्चों का मसला बहुत खतरनाक होने जा रहा है, क्योंकि बच्चों पे दो रीजन है, एक तो पूरी रिसर्च के डाटा नहीं आया है, रिसर्च तो हुई है कहने को, अमेरिका में 4 कंपनियों ने करी है, लेकिन कौन अपने बच्चे को वहां ले जाएगा, भैया लो इसको टीका लगा दो, अभी तुम्हारे पास तो पूरा डाटा भी नहीं है सेफ्टी का। बड़े बूढ़े का तो ठीक है, हम 90 साल के अपने नाना नानी को, दादा दादी को लगवा दिए, ठीक है, रिस्क हमने अपना कवर कर लिया, लेकिन छोटे बच्चे जिनके बारे में कोई रिसर्च नहीं है। और दूसरा विरोधाभास ये कि शुरू से ये सुनते आ रहे हैं सब लोग,
जब बच्चों में इम्यूनिटी अच्छी है, संक्रमण कम होगा, तो इसको जस्टिफाई करना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा साइंटिस्ट के लिए, डॉक्टर्स के लिए, मिनिस्ट्री के लोगों के लिए कि आप किस बुनियाद पर, किस बिना पर बच्चों को टीका लगवा रहे हैं। तीसरा कारण, हमारे पास स्टॉक्स हों इतने तब हम उसकी बात करें। तो ये सब मिला जुला जो ये खिचड़ी पक रही है आने वाले 2-3 हफ्तों के लिए। और आज भी केजरीवाल साहब ने यहाँ दिल्ली में अनाउंस किया है कि कम उम्र वालों को टीका लगवाइए, और उन्होंने शायद डिक्लेयर भी कर दिया है एक दिन बाद टीका लगना शुरू हो जाएगा सबको, और 24 घंटे भी लगेगा। डॉक्टर टीके गुप्ता, प्लीज आप आइए और आप मेरे दर्शकों को ये बताइए कि अगर इसी रफ्तार से कोरोना बढ़ता रहा, पीक कहां जाएगी इस बार? डॉक्टर टीके गुप्ता, देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो केसेस आ रहे हैं 1 लाख से ऊपर, ये भी टिप ऑफ आइसबर्ग है। बहुत सारे ऐसे एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं जिनकी जांच नहीं हो पा रही है या जो जांच कराने के लिए आगे नहीं आ रहे, नंबर कहीं बहुत ज़्यादा है। और जिन राज्यों में अभी पीक नहीं आई या लहर नहीं, वो भी प्रभावित हो सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा छत्तीसगढ़ में सडनली पीक आ गई या लहर आ गई, तो इसलिए पीक अभी अप्रैल एंड तक कई इलाकों में पहुँच सकती है। तो इसलिए हम सबको चाहिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, आत्मनिर्भर बने, अपना प्रिकॉशन, अपना प्रिवेंशन स्वयं करें। अगर हम लोग एलिजिबल हैं तो हमको तुरंत सबको वैक्सीन लगवाना चाहिए। वैक्सीन की आप बात कर रहे हैं डॉक्टर वाली, जल्दी से आइए। वैक्सीनेशन की जो स्पीड चल रही है कि अभी तक जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हुई है, 0.7% लोग ऐसे हैं देश की आबादी में जो दो डोज ले चुके हैं, दोनों डोज ले चुके हैं। अगर इसी रफ्तार से वैक्सीनेशन चलेगी तो फिर वो जो सबसे पहला टारगेट है 30 करोड़ तक का, उसे हासिल करने में कितना वक्त लगेगा? हमें वैक्सीन में स्पीड अपनी फौरन बढ़ानी है, 3 गुना करनी है। जिस तरह से दिल्ली में टाइमिंग्स बढ़ाए जा रहे हैं, इसी तरह से सभी स्टेट्स में अगर पॉसिबल हो सके तो करना है, और लोगों को आगे आना है। तो इसलिए हमको अपने घर के लोगों को वैक्सीनेट करना है, खुद को वैक्सीनेट करना है, और जैसे जैसे एज ग्रुप गवर्नमेंट अनाउंस करती जाए वैक्सीनेशन हमको लेना है, देर नहीं करनी है, क्योंकि वैक्सीनेशन लेने के बाद 8 हफ्ते के बाद इम्यूनिटी आएगी। जी डॉक्टर चौबे, वैक्सीनेशन पॉलिसी में भारत में आपको लगता है तब्दीली होनी चाहिए? वैक्सीनेशन जरूरी है, लेकिन उसके साथ में हमारे साथ प्रिकॉशन भी जरूरी है, जो हम लोग पहले ही बोल चुके हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड हाइजीन, और अपने घर में जितना हो सके जितना अनएसेंशियल ट्रैवलिंग हो उसको रोकें, एयरपोर्ट्स और जो भी ट्रैवलिंग। तो ये जिस तरीके से खतरा बड़ा होता जा रहा है कोरोना का, 1 लाख के पार 24 घंटे के अंदर केस चले गए हैं, डॉक्टर डीके गुप्ता, वैक्सीनेशन तो धीरे धीरे करके रफ्तार पकड़ेगी, फिलहाल इस कड़ी को तोड़ने के लिए क्या लॉकडाउन जरूरी? डॉक्टर डीके गुप्ता, बिल्कुल लॉकडाउन जरूरी नहीं है। लॉकडाउन लगाने से और ज़्यादा दिक्कतें होंगी, जो दूसरे बीमारियों के मरीज हैं उनको दिक्कतें बढ़ जाएंगी और वो लोग मरने लगेंगे। तो खाली हमें कोविड पे ध्यान नहीं देना, बाकी चीज़ों का भी बैलेंस करना है। तो इसलिए जरूरी ये है कि लॉकडाउन के जितने नियम थे, जो हम लोग बात करते हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की, वो सख्ती से लागू हों हर जगह, चाहे वो मास्क लगाना हो, चाहे फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी हो, चाहे जो पार्शियल लॉकडाउन हो, जो बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, धर्म हो रहे हैं लोगों के, या जो रैलियाँ हो रही हैं, जो मार्केट में भीड़ लग रही है, उसको कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को तेजी से काम करना चाहिए और लॉ को और तेज और सख्त बनाना चाहिए, तभी शायद हम इस लॉकडाउन से बच पाएंगे, वरना ये तो आखिरी रास्ता हम सबके लिए है ही है। बहुत-बहुत धन्यवाद संविधान की शपथ में हमारे साथ बने रहने के लिए। हमने आज सवाल पूछा, क्या लॉकडाउन से ही थमेगी कोरोना की रफ्तार? देखिए, जो हमने ट्विटर पर पोल जारी किया था उसके नतीजे अब आ गए, मतलब ये आपकी राय आपके सामने है। 46% लोग ने हाँ में जवाब दिया है, 46% ने ही ना में जवाब दिया है, मतलब मामला टाई पर है। और 8% लोग ऐसे थे जिनका कहना है कि इस मामले पर वो हाँ या ना में कह नहीं सकते। आप भी संविधान की शपथ के इस पोल का हिस्सा बन सकते हैं। हम हर रोज शो से जुड़ा सवाल एबीपी न्यूज के ट्विटर पेज पर पोस्ट करते हैं, आप वहीं जाकर वोट कीजिए, शो का हिस्सा बनिए। क्या कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए लॉकडाउन जरूरी है? इसी मुद्दे पर आज हमने चर्चा की, और आज की चर्चा के बाद मेरी राय बहुत साफ है, लॉकडाउन नहीं, लोग खुद संयम बरतें, टीकाकरण की नीति में सरकार बदलाव करे, जल्द से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाई जाए।